स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर चल रही है। हम ऐसे लक्ष्य पूरे करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके बारे में पहले कोई सोच ही नहीं सकता था। ये बदला हुआ भारत नई रफ्तार के साथ काम कर रहा है। मुझे इस बात का गर्व है कि पिछले 4 साल में ही गरीबों के लिए 1.5 करोड़ मकान बन चुके हैं। स्थिति ये है कि अगर पुरानी गति से हम काम करते तो हमें इतने मकान बनाने में शायद कई दशक लग जाते और 3-3 पीढ़ी तक शायद पक्का घर रहने को नहीं मिलता। राजस्थान में भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 7 लाख से अधिक घर गरीबों के बन चुके हैं, जिसमें से 7,000 से अधिक ये हमारे चूरू जिले में ही बने हैं। साथियों, गरीबों को घर मिल ही रहे हैं, साथ ही मध्यम वर्ग के घर के सपने को भी पूरा किया जा रहा। होम लोन के ब्याज पर छूट की योजना से मध्यम वर्ग के साथियों को 5 से 6 लाख रुपए तक की बचत 20 वर्ष की अवधि में तय है। इतना ही नहीं, पहले की सरकार के समय होम लोन की जो ब्याज दर 10% से अधिक हो चुकी थी और अब 8 या 9% है। साथियों, हाल में जीएसटी काउंसिल ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। घरों पर लगने वाले जीएसटी में बड़ी कटौती की गई है। अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में मकानों पर जीएसटी अब 12% से घटाकर सिर्फ 5%, तो एफोर्डेबल हाउसिंग पर इसको 8% से घटा करके सिर्फ 1% किया गया, 1% नाम मात्र का। इससे मध्यम वर्ग के उन साथियों को लाभ तय है जो घर खरीदने की सोच रहे हैं। इतना ही नहीं, एफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा भी बदल गई है। दिल्ली एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई जैसे शहरों में 60 वर्ग मीटर कारपेट एरिया तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में 90 वर्ग मीटर तक के घर एफोर्डेबल माने जाएंगे, जिनकी अधिकतम कीमत 45 लाख रुपए होगी।